तो गाइज मैंने पिछले एपिसोड में रेड कराया था और फाइनली देख सकते हो अभी भी इसका इफेक्ट है। मैं अभी आज ही वीडियो बना रहा हूँ जिसने रेड फार्म का बनाया था, क्योंकि मैं ना ये ऑफर को जाने नहीं देना चाहता। इधर ये मेंडिंग इतना सस्ता दे रहा है, मैं चाहता हूँ इससे ना 10 मेंडिंग हो या 20 मेंडिंग हो, जितनी भी हो पूरी की पूरी दुकान खोल दूँ मैं मेंडिंग की। तो अभी ये कितने में दे रहा है मैं एक बार चेक करता हूँ। 7 में दे रहा है ना, तो अभी मेरे को एमरेल्ड की कमी है, तो मैं पहले एमरेल्ड कहीं से मतलब जमा करता हूँ, देखता हूँ ये सब क्या ट्रेड करे। ये इन्होंने भी सस्ता किया होगा तो इससे मैं एमरेल्ड लेता हूँ जितने भी देते हैं, तो के थोड़ा थोड़ा इन्होंने भी सस्ता किया है। मतलब इनसे मैं बहुत सारे एमरेल्ड लेने वाला हूँ और जितने भी एमरेल्ड हैं उन सबसे ना मैं मेंडिंग की पूरी बुक लूँगा। और जहाँ तक मुझे पता है मैं है ना कम से कम 15-20 तो ले ही लूँगा, पूरी दुकान ही खोल लूँगा ऐसा कुछ भी। समझ सकते हो। मेंडिंग की मतलब मेंडिंग की कभी है ना कमी नहीं होनी चाहिए। और बारिश भी क्या खतरनाक तरीके से हो रही है। और हाँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि क्रीपर फार्म बनाओ, तो गाइज मैं बता दूँ पॉकेट एडिशन में क्रीपर फार्म बहुत ही मतलब बेकार वर्क करता है, किसी भी काम का नहीं। तो आपको बनाना हो तो मैं कह देता हूँ कि ठीक है बना सकते हो, लेकिन किसी भी काम का नहीं है। मतलब उसमें पहले से स्पॉन रेट कम होता है पॉकेट एडिशन में, और ऊपर से अच्छे से मॉब स्पॉन नहीं होता, क्रीपर क्या स्पॉन हो गया। मैंने एक बार बनाया था सर्वाइवल वर्ल्ड में तो मुझे पता चला इतना भी खास नहीं है, मतलब किसी काम का नहीं है। तो मैं आपको कहता हूँ कि ना ही बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी ना मैं ओके एक मिनट मेरे को देखने दो कहाँ पे मैं बुक्स रखा हूँ। अभी तो देख सकते हो एक मेरे पास पड़ा है यहाँ पे, ये शूज़ के लिए है, लेकिन शूज़ टूट गया हरा, मेरा नसीब ख़राब था वो ये एकदम लास्ट टाइम पे टूट गया। चलो कोई नहीं, उसको भी देख लेंगे। अब उससे भी पहले ना मेरे को यहाँ पे एक चीज़ करना है, मैं है ना सारे के सारे बुक मैंने शायद से यहाँ पे रखे थे या फिर आई थिंक यहीं पे होना चाहिए। ओके बुक तो नहीं है लेकिन लेदर है, तो एक काम करता हूँ ये एक हटा के इससे भी लेदर बना लेता हूँ। और बचे पेपर, तो पेपर तो भाई अनलिमिटेड शुगर कैन फार्म है तो कोई टेंशन नहीं। तो मतलब 7 बुक तो मैं यहाँ से ख़रीद लूँगा। और एक मिनट, और क्या ख़रीद सकता हूँ मैं उनसे? बुक तो ख़रीद सकता हूँ और डायमंड की स्वॉर्ड एक्स ख़रीद सकता हूँ, बट उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले मैं बुक्स बनाता हूँ फिर उनसे ट्रेड करता हूँ। अरे ओ भाई मेरे यहाँ पे आ जा, वहाँ पे बहुत सारे मॉब हो गए तेरे को मारेगा पकड़ पकड़ के। पता नहीं इन्होंने इसने रेड को क्या ट्रिगर मतलब रेड को क्या जिता दिया, तो खुद को बहुत ही कमाल समझ रहा है। जाने दो, खुद जब अकड़ ठिकाने लगेगी तब तो वापस आ जाएगा जब उसको जॉम्बी लोग पीछे पड़ेंगे। तो चलिए अब है ना उनसे मैं ट्रेड करता हूँ और देखते हैं स्टार्टिंग। मेरे पास 13 बुक है, मतलब 13 लेदर था तो मैंने 13 बुक बना दिया। तो अब देखना ये है कि मेरे को कितने मिलते हैं। तो कहाँ गया मेरा ये नमूना? बस मेरे को टेंशन रहता है कि ये ना डिस्पॉन ना हो जाए। तू पहले बहुत सारे मेंडिंग दे दे, उसके बाद तू हो सकता है डिस्पॉन, फिर कोई टेंशन नहीं। तो बहुत सारे मेंडिंग दे रहा है, कितने देगा टोटल देखते हैं। तो मेरे पास ओके ख़त्म हो गया, कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 हो गए। बट ये भी अभी भी बहुत कम है। एक मिनट, ये सब क्या ट्रेड कर रहे हैं? तो ये किसी काम के नहीं हो गए, बट मैं एक बार ट्राई करना चाहूँगा कि क्या देते हो गए ये। तो ये मेरे को दे रहे 25 में, ये दे रहे 20 में दे रहे, बट ज़्यादा कुछ कम नहीं किया। नहीं चाहिए तुम लोगों से, जाओ निकलो यहाँ से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है, मेरे को एक ट्रेडिंग हॉल भी बनाना है। ट्रेडिंग हॉल भी मैं बनाऊँगा जिसके अंदर एक को मैं ज़ॉम्बी बनाऊँगा, बाकी सब फ्री में देंगे। तो पहले इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। बहुत सही, इतने मेंडिंग तो भाई लाइफ में कभी नहीं खरीदोगे मैंने। तो चलो लेकिन मैं और ख़रीदूँगा, इतने पे नहीं रुकने वाला हूँ मैं ना, जितने हो सके ख़रीदूँगा। और ऊपर से ना मेरे को नेदर फोर्ट्रेस भी ढूंढने जाना है, क्योंकि ब्लेज रॉड चाहिए होगे, फिर ऊपर से ड्रैगन कोप मैं जल्दी मारूंगा, क्योंकि मुझे इलाइट्रा चाहिए जिससे कि मैं बाद में हाई ब्लॉक पे सब बनाऊंगा ना। जैसे कि किसी ने कहा था रेड फार्म बनाना, तो वो भी बनाऊंगा, बट अभी क्या है कि बहुत हाइट पे बनाना होता है, तो इसलिए उसको मैं थोड़ा सा मतलब रख रहा हूँ साइड में। जब है ना इलाइट्रा आ जाएगी तो उड़ उड़ के बनाएंगे। और अभी देखते हैं कि ये और क्या ट्रेड करते हैं। मतलब अभी और मेरे पास विलेजर का मतलब प्रोफेशन वाले कम ही है, सारे विलेजर तो वहाँ चले गए मेरे, तो ये भी कुछ ज़्यादा खास नहीं दे रहा है। बट कोई नहीं, इनसे भी मैं बाद में ट्रेड करूँगा। अभी है ना एक काम करते हैं, अभी चलते हैं हम थोड़ा सा फोर्ट्रेस वाट्रेस कहीं ढूंढते हैं, मिल जाए तो भाई बहुत ही काम के है। तो पहले वही ढूंढते हैं, तो सारी तैयारी कर लेता हूँ फिर फोर्ट्रेस ढूंढने निकलेंगे। और उससे पहले ना आज का शाउट आउट इन सारे लोगों को जाता है। तो गाइस मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए, और आप देख रहे होगे आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस दिख रहे होंगे। तो मैंने ना फिलहाल शेडर बंद कर दिया, क्योंकि नेदर में ना वो वाले शेडर के साथ बहुत ज़्यादा ही ब्लैक दिखता है, मतलब किसी काम का नहीं दिखता है। तो उसको मतलब उससे सेफ़ रहने के लिए मैंने उसको बंद कर दिया, क्योंकि दिखेगा नहीं तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। और देख सकते हो मेरा है ना वो इफेक्ट भी जा चुका है, मतलब जो मुझे हीरो मिला था टाइटल वो भी जा चुका है, और वो आयरन गोलम पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है, उसको रहने देते हैं। अभी ना हमको फोर्ट्रेस ढूंढना है, तो मुझे पता नहीं कि फोर्ट्रेस मतलब कहाँ पे मिलेगा कहाँ पे नहीं। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा, और मुझे नेदर में ना ज़्यादा घूमना पसंद नहीं पड़ता, इसलिए अभी देखते हैं कि होप करें कि जल्दी मिल जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और ऊपर से वो मॉब वॉब भी मारते नेदर में भाई बहुत खतरा होता है, ऊपर से नेदर राइट का मेरे पास नहीं है ना, इसीलिए क्या कर सकते हो। देख सकते हो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक मेरा, तो अभी है ना आप देख सकते हो मेरे इन्वेंटरी में एक फायर रेजिस्टेंट का पोर्शन है। तो ये इसलिए क्योंकि जो एक बीच मरी थी उसने मेरे को फायर रेजिस्टेंट का पोर्शन दिया था। और ये क्या निकलना है यहाँ से,
ओके ये आ नहीं सकता, मैंने एकदम सेफ्टी लगा के रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो हर एक डायरेक्शन में आपको सेफ्टी मिलेगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो पूरी तरीके से सेफ रखा है मैंने यहाँ पे जाने के लिए। तो मैं कौन से डायरेक्शन में जाऊँ वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तो मुझे शायद से ये वाले डायरेक्शन में जाना ज़्यादा सही लग रहा है, तो मैं यही डायरेक्शन में चलता हूँ। एक मिनट, में गोल्ड के कुछ बूट वूट नहीं लाया यार मेरे ऊपर, वो नमूने अटैक करेगा, देखता हूँ गोल्ड पड़ा है मेरे पास तो नहीं, ये गोल्ड पर खाना पड़ा है। ओके कौन आया भाई, ये मार सकता है मेरे को, निकलो अभी, मैं यहाँ से पहले निकलता हूँ, खाना ले लेता हूँ और किसी एक डायरेक्शन के लिए मैं निकल लेता हूँ। तो आई थिंक मैं यहाँ से तोड़ गया ना, ये वाले डायरेक्शन के लिए मैं आगे चलता हूँ। Inches later. तो गाइस आप देख सकते हैं मैं वहाँ से कम 100-200 ब्लॉक दूर आया हूँ और ये नमूने मेरे को अटैक करने के लिए आ गए, क्योंकि मैंने गोल्ड नहीं पहना है, इसीलिए इसको तो मैं अभी ठिकाने लगाता हूँ। निकल चल, तू समझता क्या है खुद को, हट। अब मेरे को है ना पता नहीं चल रहा है मैं कहाँ आ जाऊँ, हर एक तरफ लावा ही लावा दिख रहा है मेरे को, तो फिलहाल इसमें मैं कन्फ्यूज हूँ यहाँ पे, क्या यार ये एंटरमैन कहाँ से आ रहा है, तो मैं कौन से डायरेक्शन में जाऊँ मुझे वो खुद समझ नहीं आ रहा है ना, तो इधर जाऊँ या फिर इधर जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत रास्ता लग रहा है, मैं पहले यहाँ से चलता ऊपर, और फायर रेजिस्टेंट का पोशन मैंने ना इमरजेंसी के लिए बचा के रखा है। ओके मैं टेराकोटा भी लाया हूँ, टेराकोटा का भी यूज़ करता हूँ मैंने, मतलब पोशन इसलिए बचाया कि कभी मैं लावा में गिर जाऊँ तब काम आएगा, अभी मैं सेफ़ हूँ तो फिर बेकार में यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर तो भाई कोई रास्ता नहीं है जाने आने का, तो अब मैं कहाँ से जाऊँ, एक काम करता हूँ मैं शायद खुदाई करके जा सकता हूँ, लेकिन मेरी पिकेक्स भाई लग जाएगी फिर, वो तो गई काम से। तो ये डायरेक्शन में थोड़ा देखता हूँ, तो यहाँ पे तो ये बसाल्ट वाला बायोम है, तो ये डायरेक्शन में तो मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत ही बेकार डायरेक्शन है, तो अभी ये डायरेक्शन में है ना आगे चलते हैं। ओके यहाँ पे लावा है, तो सबसे पहले इसको बंद करने दो, लावा को ठिकाने लगाते। अब मैं ना ये डायरेक्शन में आगे निकलूँ या फिर यहाँ पर जाऊँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। एक काम करता हूँ यहीं से खुदाई चालू कर देता हूँ, होप करता हूँ कि कहीं ना कहीं तो निकलेंगे। तो चलो थोड़ा सा खुदाई करते और होप करें कि जल्दी कहीं ना कहीं निकले, क्योंकि यहाँ पर तो रास्ता बंद हो चुका है। One eternity later. तो गाइस मैं माइंड करते करते यहाँ से निकला और यहाँ पे मैंने एक सेफ बनाया क्योंकि नीचे लावा था, और देख सकते हो यहाँ पे टेराकोटा मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो और भी टेराकोटा ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे चलना मुश्किल हो रहा है ना, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, सोल सैंड या समथिंग है वैली, तो एक काम करता हूँ और भी कबल स्टोन को मैं बाहर लेता हूँ। एक काम करता हूँ तो मैं थोड़ा सा पोशन पी लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हर एक जगह पे ये है, तो मे बी मेरे को डेंजर रह सकता है। ये बेवकूफ़ कहाँ से आ गई, अरे यार ये निकल गई, निकल चल यहाँ से। अरे मेरा निशाना क्या हो रहा है मेरे निशाने को, एक तो इसमें इन्फिनिटी वो नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है ना, तो वो डिस्पॉन हो गई। तो एक काम करते पहले थोड़ा सा मैं खाना खाता हूँ और उसके बाद एक पोशन पी के सीधे सीधे निकल लेता हूँ। तो चलो भाई और कुछ ऑप्शन है नहीं हमारे पास क्योंकि आगे सब लावा ही लावा है, तो बाकी का बाद में देखेंगे। चलो निकलते हैं अब यहाँ से। भाई ये मैंने गलती कर दी क्योंकि मेरा 3 मिनट का पोशन अगर मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया ना तो फिर गड़बड़ पड़ जाएगी, तो फटाफट से वहाँ पे पहुँचते, और एक तो स्पीड कम है। ओके ये बेवकूफ़ अलग से मार रही है, मत मार यार मनमुनी, अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो पहले मैं है ना यहाँ पर चढ़ने वाला हूँ, उसके बाद बाकी का काम देखेंगे, सबसे पहले तो मैं चढ़ता हूँ, तब जाके थोड़ी सी शांति मिलेगी मेरे को, और थोड़ा सा क्राउच होकर यहाँ पर है ना मैं ब्रिजिंग टाइप करता हूँ। ओके मैं लावा के बाहर रहूँगा तब तक मेरे को मतलब शांति रहेगी, और जैसे ही मैं लावा के ऊपर पहुँचूँगा फिर हालत ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत ब्रिजिंग करता हूँ, पता नहीं मैं आऊँगा कैसे, जाने के लिए तो मेरे पास पोशन है बट आऊँगा कैसे वो समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो पहले एक मिनट ये वाले ब्लॉक, पता नहीं ये वाले ब्लॉक उसके अटैक से तबाह होते, यानी होने तो नहीं चाहिए, ये भी मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब देखते कहाँ पर जाऊँ, हर एक साइड तो लावा ही लावा है, तो ये साइड ब्रिजिंग करके जाता हूँ, वहाँ पर मुझे ना कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म दिख रहा है, तो चलते पहले यहाँ से चलते हैं। 6.5 hours later. तो गाइस आप देख सकते हो कि मैं कितने दूर से पुल बनाते आ रहा, आपको यकीन नहीं होगा, और देख सकते हो लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे मुझे एक फोर्ट्रेस दिख रहा है, शायद से ये बैस्टन है या फोर्ट्रेस, मैं इतना कंफ्यूज हूँ क्योंकि यहाँ से इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, और मैं ये बना के आ रहा हूँ क्योंकि ऊपर से गास्ट माल देगी लावा में गिर जाऊँगा। अभी फिलहाल इसलिए डर है क्योंकि फायर रेस का पोशन नहीं है ना, और फायर रेस का पोशन नहीं होता तब तक नेदर में डर ही रहता है, क्योंकि वही तो नेदर से हमको बचाता है हर एक खतरों से, क्योंकि नेदर में सबसे ज़्यादा खतरनाक यही है, लावा ही है।
तो ये मुझे फोर्ट्रेस, ये दो दो बड़े बड़े बैस्टियन लग रहे हैं, मुझे फोर्ट्रेस नहीं लग रहा है। अब मुझे ना ब्रिज बना के वहाँ पे पहुँचना है कैसे भी, तो मैं ना यहाँ पे ऊपर एक छत टाइप बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा नहीं चाहता कोई गास्ट अटैक कर दे, और शायद से बसाल्ट को तोड़ देता है ना गास्ट, और अगर बसाल्ट को तोड़ दिया तो मैं बसाल्ट मतलब इसी लेयर पे हूँ, तो फिर मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। काम करता हूँ फटाफट से, मैं ब्रिज बना के जाता हूँ, होप करिए फोर्ट्रेस निकले। मुझे बैस्टियन लग रहा है, लेकिन दो बैस्टियन एक साथ नहीं हो सकते, और मेरे पास पता लगाने का भी कोई तरीका नहीं है कि क्या है, यहाँ से दिख नहीं रहा, एकदम ब्लर लग रहा है, और शायद से फॉल्ट्रेस ही होगा। तो चलिए फिर चेक करते हैं क्या है ये। आप देख सकते हो मैं फॉल्ट्रेस के पास आ चुका हूँ, और ये फॉल्ट्रेस मैंने इसको मतलब अपने आप को खुद को कवर किया थोड़ा सा, ताकि मैं थोड़ा देर सेफ रहूँ। और देख सकते हो यहाँ से बहुत सारे मॉब आ रहे हैं, और पहली बात तो ये सोल सैंड का बना है ना, तो इस पर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, स्लो मैं इस पर वॉक कर पा रहा हूँ। आपको तो पता ही होगा कि ऐसा ही होता है। तो पहले यहाँ पे इसको लगाते, ओके यहाँ से मॉब आ रहे हैं ना, एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे है ना इस तरीके से ये लगाता हूँ कि कोई भी मॉब मतलब एटलीस्ट वो तो ना आ पाए जो उसका नाम है, क्या नाम है उसका, एक नमूना है ना। पहले एक काम करते यहाँ पे क्राउस हो जाते थोड़ा सा, और देख लेते कोई मॉब नहीं है ना यहाँ पे। तो एक काम करते पहले मैं हर बार जो करता हूँ वो करते हैं यहाँ पे, कौन आ रहा है भाई यहाँ पे इतना सारा, इसको लगाओ और इसको लगाओ। अब है ना उससे सेफ हो गया हूँ मैं, वो जो एक नमूना है ना जो इफेक्ट देता है वेदर इफेक्ट। और यहाँ पे इतने सारे चेस्ट क्या कर रहे हैं, और मैंने एक को मारा था ब्लेज को, तो उसने मेरे को ये दो ब्लेज रॉड दिए, इधर दिया नहीं दिया इधर, चलो कोई नहीं, तू क्या समझ रहा है खुद को। चलो इसको निपटाते हैं, और इसको निपटाते हैं, बहुत सही, इतने सारे ब्लेज यहाँ पे घूम रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, एक को मर जा यार। मैं ना आज बहुत सारे ब्लेज रॉड लेके जाने वाला, ऊपर से लूटिंग 3 है मेरे पास, आ जा यार, कहाँ पे है दिख नहीं रहा मैं, ओके ये रहा, मर गया, दिया इसने, ओके आ रहा है, तू भी आ जा, मैं क्राउच हुआ जा, तो मेरा कुछ नहीं बिगा सकता, सील्ड अप है, ओके इसने मुझे इफेक्ट दिया। चलो, और ये काफ़ी अजीब जगह पे मैं आया था यहाँ से, और यहाँ पे दो चेस्ट थे ना, उनको पहले कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया कि वो आ ही नहीं पाएगा, मतलब सेफ रहूँगा मैं, और यहाँ पे भी मैंने लगा दिया, क्योंकि उनका स्वर थोड़ा सा बड़ा होता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो आप इसी तरीके से करना बहुत सही है, क्योंकि ये 2.5 ब्लॉक लेते हैं आने के लिए, ऑलमोस्ट 3 ब्लॉक कह सकते हो। आजा भाई, आजा आजा आजा, ओके इसको मैंने मार दिया। सबसे पहले ना मैं ये चेस्ट खोलता हूँ, क्या रखा इसमें, ओके 3 डायमंड है, बहुत सही, इसको पहले कलेक्ट करते हैं। और मेरे को यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, बस बहुत सारे ये ले लूँगा मैं इनसे, क्या नाम है इसका, ब्लेज रॉड, और कुछ पोशन बनाने के लिए पोशन वाला ले लूँगा, और सैडल ले लेता है, उसकी ज़रूरत तो नहीं है, बट कोई बात नहीं, ले लेते हैं। अब मैं जगह जगह पर ये ऐसा बना दूँगा, जिससे कि एटलीस्ट मुझे पता होगा कि मैं सेफ हूँ यहाँ पे, क्योंकि हर जगह पे तो सेफ तो नहीं रह सकते। ओके, तो गाइस फाइनली मुझे मिल चुका है, और वैसे भी मेरे पास थोड़ा सा पड़ा था, क्योंकि चेस्ट में से भी मेरे को 7 मिले थे, तो सारे के सारे लेके जाऊंगा। वैसे भी उनका यहाँ पे कोई काम है नहीं, यहाँ पे कोई पोशन वोशन कोई बनाता नहीं है। आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये आ ही नहीं सकते पहली बार। आ जाओ, लूटिंग 3 से मार रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। और यहाँ पे ये पड़ा है ना, इसको मैं पहले ठिकाने लगा दूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चल इसने मेरे को दिया है, ओके टोटल 13 हो चुके हैं, लूटिंग 3 का यही कमाल होता है ना। अरे ओके यहाँ पे भी पड़ा है ना, उसको भी देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ यहाँ पे कुछ पड़ा है, तो यहाँ से मैं आया था ना, तो वो आने वाली जगह याद रखनी है, बाकी सब तो भूल जाए चलेगा। तो यहाँ पे हूँ, आ जा, अरे यार आ गया आ गया, चल निकल यहाँ से। अभी ना ये लेके घर पे ही निकलता है डायरेक्ट, थोड़े और ब्लेज को कलेक्ट करता हूँ मैं। One eternity later. तो गाइज मैं वहाँ से आ चुका हूँ, और वहाँ पे मुझे 20 पूरे ब्लेज रॉड मैंने कलेक्ट किए, और मेरे को एक ये भी मिल चुका है वेदर स्कल, और उसके बाद 3 डायमंड मिले, उसके बाद ये भी मिले नेदर वॉट बहुत सारे। तो मैं नेदर वॉट और ब्लेज रॉड के लिए ही आया था, और कोई जरूरी मतलब ज़रूरी चीज़ नहीं थी। तो अब यहाँ से निकलते हैं, अब तो मेरे पास पोशन भी नहीं आ रही, एक पोशन होता ना तो मैं बिंदास एकदम घूम घूम कर जाता, लेकिन इधर क्या है कि पोशन नहीं है, और ऊपर से मेरे मोस्ट ऑफ ब्रिज मैंने लावा के ऊपर से बनाया है, और मेरे पास ब्लॉक भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ 41 सोल, क्या नाम है इसका, सोल सैंड है, और कुछ है ही नहीं। तो मुझे एकदम संभल संभल के जाना पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ तक तो मैं आ चुका हूँ, तो चलो भाई चलते हैं एकदम आराम से, एकदम स्पीड में यहाँ पे तो चलने वाले हैं। यहाँ पे ऊपर है ना छत नहीं है इसीलिए, उसके बाद मेरे को यहाँ पे भाई वहाँ तक जाना पड़ेगा। और एक्चुअली मैं आया वहाँ से था, लेकिन मैं गलत डायरेक्शन में चला गया था। तो पहले है ना मुझे यहाँ पे तोड़ने दो इसको थोड़ा सा, और मैं यहाँ से मुझे जाना है, अगर मैं इस पर गिरा ना तो बचने का कोई चांस नहीं है। मैं वहाँ से आया था, मुझे उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा यार। ओके किसी ने अटैक किया मेरे को, यहाँ से निकलने दो, देख सकते हो। इसीलिए मैंने है ना ये कवर स्टोन का बना के रखा, क्योंकि मैं सेफ रहूँगा। तब मुझे घर कैसे भी निकलना है बहुत मुश्किल है, तो चलिए कैसे भी घर चलते हैं। अभी मुझे सिर्फ वहाँ तक तो जाना है, कोशिश करते हैं सेफ तरीके से पहुँच जाए, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं इनको पहले निपटाता हूँ, उसके बाद ही निकलता हूँ यहाँ से। 2000 years later.
तो गाइस फाइनली मैं पोर्टल के पास पहुंच गया। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े थे क्योंकि मैंने है ना पोर्शन पी के तो गया था लेकिन आने में पोर्शन नहीं था मेरे पास, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो चलिए अब घर पे चलते हैं, पता नहीं वहाँ पे नाइट हो रही है या डे हो रहा है, पता नहीं देखते पहले। तो यहाँ पे ओके डे ही हो रहा है, बहुत सही। और अभी मैंने ना वो बंद किया है, क्या नाम है, आपको तो पता होगा, शटर बंद किया क्योंकि नेदर में ना बहुत ब्लैक ब्लैक हो रहा था तो देखने में मज़ा नहीं आ रहा था और ये पूरा वर्ल्ड लोड हो रहा है, तो हो जाए जितना भी लोड हो सकता है ओके हो चुका है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या लाया। तो ये सब कुछ लेके आया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ब्लेज रॉड और नेदर वॉट लेके आया, 3 डायमंड भी मिल गया बहुत अच्छी बात, और एक स्कल भी मिल चुका है, तो दो दो ही बाद में हमको चाहिए होगा। तो चलिए गाइस आज के वीडियो के लिए सिर्फ यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं अगले माइनक्राफ्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। Till I get up, time is barely on